हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मैग्नम बार्स, वो भी 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से मिल जाए। मैग्नम बार्स बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम हैवी क्रीम, 175 ग्राम कंडेंस मिल्क, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, 150 ग्राम स्वीट चॉकलेट, 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और बादाम और मूंगफली, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इससे भी बार को कोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, अपनी मैग्नम बार बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ठंडी विप क्रीम ली हुई है और उसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क थोड़ा हैवी होता है तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, उसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही वेनिला एसेंस डाल रही हूँ और ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी आपस में तो मैं इन्हें मैग्नम बार के मोल्ड्स में पोर कर दूँगी। इस मिक्सचर को हमें 8 से 10 घंटों के लिए फ्रीज करना है, जब तक कि ये हार्ड फ्रीज ना हो जाए। फ्रीज करने से पहले ही हमें इसमें स्टिक्स लगा देनी है। अगर हम भूल गए स्टिक लगाना तो बाद में नहीं लगेंगी, आइसक्रीम हमारी हार्ड हो चुकी होगी, तो मेक श्योर आप स्टिक ज़रूर लगाएं। इसके बाद इसे 8 से 10 घंटों के लिए फ्रीज होने रख देंगे। चलते हैं, चॉकलेट शेल बनाते हैं। चॉकलेट शेल बनाने के लिए चॉकलेट में मैं डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है हमें, इसके अलावा कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना, ना ऑलिव ऑयल ना कुकिंग ऑयल, सिर्फ कोकोनट ऑयल। मैं इस चॉकलेट और कोकोनट को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखती जाऊँगी और हर 10 सेकंड बाद इसे माइक्रोवेव से निकालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी और देखती रहूँगी हमारी चॉकलेट कितनी मेल्ट हुई है। 10-10 सेकंड करके मैंने इसे 3 दफ़ा माइक्रोवेव में रखा है और 30 सेकंड के बाद मुझे ये बहुत अच्छा सा स्मूथ चॉकलेट का पेस्ट मिल गया है। अगर आप चाहें तो डबल बॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखें और साथ ही इस चॉकलेट के प्याले को उसके ऊपर रख दें और चमचा चलाते रहें, वो भी इसी तरह चॉकलेट को मेल्ट कर देगी और सेम रिजल्ट आएगा। जब चॉकलेट रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगी हम तब ही अपनी आइसक्रीम को उसके अंदर डिप करेंगे। अगर हमने गर्म चॉकलेट के अंदर आइसक्रीम को डिप कर दिया तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। अब चॉकलेट हमारी रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुकी है, हम एक एक करके आइसक्रीम बार्स को निकालेंगे और इस चॉकलेट के अंदर डालकर चॉकलेट का शेल कोट करेंगे। ये जैसे ही चॉकलेट में डिप होगी हमारी आइसक्रीम ठंडी है, ये फौरन से चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। यहाँ पर सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट हम ड्रिप करवा देंगे और एक स्मूथ सी बार रेडी है। इसी तरह अगर पीनट यूज करना है आपने तो एक चॉकलेट को हम बार को चॉकलेट में डिप करेंगे और फौरन से ही हमें पीनट में कोट कर देना है। अगर यहाँ पर देर हो गई तो शेल हार्ड हो जाएगा और पीनट अटैच नहीं होंगी। चाहे तो ये सारे पीनट आप चॉकलेट के अंदर भी डाल के डायरेक्ट बार उसके अंदर डाल दें, एक इस तरीके से भी हम चॉकलेट को पीनट में कोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट मैग्नम आइसक्रीम तैयार है। ये बहुत ही मज़े की थी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जाके इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।